मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है महेश पलावत। मानसून का इंतजार दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में काफी लंबा होता जा रहा है और जैसे कि हम जानते हैं कि मानसून 27 जून को यूजली पहुंच जाता है दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में, लेकिन अभी तक मानसून की कोई भी आहट दिखाई नहीं दे रही है। उसका कारण यह है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो पश्चिमी दिशा से हवाएं चल रही थी वो मानसून को रोके हुए थी और मानसून अभी भी ये पूर्वी बिहार के आसपास है, लेकिन आज हमें उम्मीद है कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों को कवर कर जाएगा। और जो पिछले दो दिनों से हमने देखा है कि जो पूर्वी हवाएं चल रही हैं, लगातार जो पूर्वी हवाएं चल रही हैं, उससे क्योंकि गर्मी ऑलरेडी बढ़ी हुई है, 40 से ऊपर तापमान जा रहे हैं और अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और वेटवर्ल्ड टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो कल 32 डिग्री के आसपास था, यानी कि अगर 32 डिग्री के आसपास वेट बल्ब होता है तो ये बहुत ज़्यादा घातक होता है और उससे उमस बढ़ जाती है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है, फील लाइक टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ज़्यादा पहुंच जाता है। यानी कि जो उमस के कारण क्या होता है कि जो हवा है उस वो नम हो जाती है और हमारा पसीना सूख नहीं पाता, इसीलिए हमें गर्मी का एहसास ज़्यादा हो रहा है। यही कारण है कि गर्मी हमें फील ज़्यादा हो रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि 29 तारीख की शाम से दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। पूर्वी जो इलाके हैं, खास करके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, इस इलाके में आज भी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं और दिल्ली NCR में मेघ गर्जना की संभावना है कल और उसके बाद शाम से बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। 30 जून से दिल्ली और उसके आसपास नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और 1 जुलाई को बारिश और ज्यादा बढ़ सकती है। यानी कि 30 जून से 1 जुलाई के बीच में मानसून दिल्ली में दस्तक दे सकता है, ऐसा उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। और अगर हम देखें पूरे भारत के बारे में देखें तो इस समय पहाड़ों पर कोई भी पश्चिमी विक्षोभ नहीं है और जो पहाड़ों का इलाका है, खास करके जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, ये लगभग शुष्क बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज बारिश होने की संभावना नजर आ रही है और जो पहले ट्रफ रेखा आपने देखा था कि जो पहाड़ों की तराई में थी, वो इस समय अब ये साउथ वेस्ट राजस्थान से और ये छत्तीसगढ़ होती हुई और इस तरह से बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। तो ये जो ट्रफ रेखा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि हवाओं की दिशा इस तरह से बदल रही है और ये जो पूर्वी हवाएं हैं वो उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में अब चल रही हैं। यानी कि एक तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, ये इस जगह पर, तो इसके प्रभाव से क्या हो रहा है कि नमी वाली हवाएं ये अरब सागर से भी आ रही हैं और यहाँ से भी आ रही हैं और ये इस तरह से घूम करके हवाएं जो हैं वो जो पूर्वी हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी से भी इस तरह से उत्तर भारत में पहुंच रही हैं। तो ये जो दो हवाएं हैं, यानी कि अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आ रही हैं, उसके कारण अब क्या होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में और जो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इन सारे इलाकों में और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी जिले हैं, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं और कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है और उससे मानसून बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो कल हमें उम्मीद है कि 29 और 30 तारीख को जो बारिश है वो जो आप कह सकते हैं कि प्रयागराज, वाराणसी और उसके आसपास के इलाकों में, यानी कि ईस्ट और साउथ जो उत्तर प्रदेश है, इस इलाके में मूसलाधार बारिश हो सकती है। सीधी सतना और उमरिया और जो सिंगरौली वगैरह ये जो इलाके हैं नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश के, इस इलाके में भी बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है 29 तारीख को, और 30 तारीख होते होते जो बारिश की गतिविधियां हैं थोड़ा आगे आ जाएंगी और समय हम कह सकते हैं कि नीमच, रतलाम और उज्जैन, अलीराज, बरवनी, ये जो इलाके हैं ये सारे कवर हो जाएंगे। इस इलाके में मूसलाधार बारिश के कारण फ्लैश फ्लड वगैरह हो सकता है, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि वाटर लॉगिंग वगैरह, यानी कि एक तरह से जो हल्की फुल्की बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। और उसके बाद ये जो बारिश की गतिविधियाँ हैं 1 तारीख को साउथ ईस्ट राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में देखने को मिलेगी, यानी कि ये जो वेदर सिस्टम है इस तरह से आगे बढ़ेगा और साउथ ईस्ट राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इन सारे इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश की गतिविधियां हमें संभव नजर आ रही हैं और उसी तरह से अहमदाबाद, बड़ोदरा,
और गांधीनगर, महेसाना, पाटन, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। 2 और 3 तारीख को जो बारिश की गतिविधियाँ हैं इन सारे इलाकों से हटते हुए, ये जो कच्छ का इलाका है, सबरकांठा, बनासकांठा और जो भुज, नलिया, जामनगर, मोरबी, इन इलाकों में तेज बारिश देता हुआ ये सिस्टम आगे निकल जाएगा और इस इलाके में फिर वेदर एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के मानसून बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और ये जो बाकी इलाके हैं इन इलाके को 30 तारीख में काफ़ी अच्छी बारिश मिलने की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान के ज़्यादातर जिलों में बहुत अच्छी बारिश होगी, खास करके पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, लेकिन जैसलमेर और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम रहने वाली है। और उसी तरह जो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान है, जैसे कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी हल्की बारिश ही रहेगी, बहुत ज़्यादा हैवी रेन की संभावना नज़र नहीं आ रही है। और पंजाब, हरियाणा के जो पूर्वी जिले हैं वहाँ पर 30 और 1 तारीख को बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी और उसके बाद लगातार कई दिनों तक कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होती रहेगी, यानी कि जो गर्मी और उमस है उससे अब छुटकारा मिलने की उम्मीद अब दिखाई दे रही है उत्तर भारत वालों को। पूर्वी भारत की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी भारत में अब क्या हो रहा है कि पूर्वी भारत में जो बारिश की गतिविधियां हैं काफ़ी अच्छी हो रही हैं और खास करके अगर देखें हम तो सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, इस इलाके में 3 डिजिट रेनफॉल कई इलाकों में हुआ है, यानी कि 100, 150, 200 मिलीमीटर तक की बारिश, चेरापूंजी में 200 मिलीमीटर बारिश हुई है और उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश, असम और कई इलाकों में बहुत अच्छी बारिश, यानी कि मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश है और उसी तरह से गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश है। और अभी फिलहाल जो बिहार, झारखंड और उड़ीसा है यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ हैं, लेकिन धीरे धीरे अब बारिश की गतिविधियाँ इस इलाके में बढ़ने की संभावना नजर आ रही है और जो तापमान है थोड़े से गिरेंगे। और उसी तरह से छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में, यानी कि कोरिया, अंबिकापुर, सरगुजा से लेकर के जगदलपुर, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश के बारे में हमने बता दिया, गुजरात और राजस्थान के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगर हम देखें कि महाराष्ट्र में क्या स्थिति रहने वाली है, तो महाराष्ट्र में ये जो ट्रफ रेखा है जो साउथ गुजरात से लेकर नॉर्थ केरला तक आ रही है, ये थोड़ी सी सशक्त हुई है और अब मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ शुरू होंगी जो 3-4 दिनों तक जारी रहेंगी। हालांकि भारी से अति भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो लाइट टू मॉडरेट रेन और मॉडरेट रेन कई इलाकों में होने से क्या होगा कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में राहत मिलने की संभावना हमें नजर आ रही है। और ये जो आपका अंदरूनी महाराष्ट्र है इस इलाके में भी ऑन एंड ऑफ रेन होती रहेगी, यानी कि विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी होने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में अब एक बार फिर, यानी कि थोड़ी सी बारिश की कमी आई थी, हमने देखा था कि तमिलनाडु और रायलसीमा बारिश कम हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली है और 2 दिनों के बाद बेंगलुरु, मैसूर, चामराजनगर, तुमकुर, इन सारे इलाकों में बारिश बढ़ेगी। केरल और कर्नाटका के तटीय भागों में अच्छी बारिश की संभावना है। नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका में लाइट टू मॉडरेट होगी और तेलंगाना और कोस्टल आंध्र प्रदेश में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है, लेकिन लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम रहेंगी, हल्की ज्यादा रहेंगी, 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना नजर आ रही है। और इस समय जो वेदर सिस्टम आप देख सकते हैं, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक ट्रफ रेखा इस तरह से आ रही है, हवाएं ये अरब सागर से भी नमी दे रही हैं और बंगाल की खाड़ी से भी नमी दे रही हैं, तो यानी कि इन सारे इलाकों में नमी तो बढ़ी हुई है, उमस बढ़ी हुई है, लेकिन राहत बहुत जल्दी, जैसे हमने आपको बताया, मिलने वाली है। और ये जो ट्रफ रेखा है जो हम दिखा रहे थे आपको, गुजरात से लेकर के नॉर्थ केरल तक बनी हुई है, तो इसके प्रभाव से इस इलाके में बहुत अच्छी बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु में अभी खासकर 2 दिनों तक बारिश की गतिविधियां काफी कम रहेंगी, उसके बाद तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको आगे अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।